अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने पड़ाव केसरगंज इलाके में देर रात ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने भारी वाहनों को छोड़ केवल छोटे वाहनों पर ही अंकुश लगाया, जबकि बड़े वाहन अपना कार्य कर रहे थे। अजमेर में जिला कलेक्टर द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में तमाम व्यापारियों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे। इस निर्देश के बाद भी ट्रांसपोर्ट नगर में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, जिसके चलते जिला कलेक्टर के आदेश के बाद रात में ट्रकों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। लेकिन इस आदेश को भी दरकिनार करते हुए रोजाना ट्रकों से सामान उतारने और चढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम तो दिया, लेकिन केवल छोटे वाहनों को जब्त कर खाना पूर्ति कर दी गई, जबकि बड़े वाहनों से लगातार कार्य किया जा रहा है। थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर का परिवहन विभाग के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 वाहनों को माल सहित जब्त किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट करने के आदेश के बावजूद भी माल की आवाजाही व्यस्ततम बाजारों से की जा रही है। इसको लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस तरह की कार्रवाई रोजाना की जाएगी। इसमें ट्रांसपोर्ट नगर को जो है शहर के व्यस्ततम जो इलाका है केसरगंज जो पड़ाव, यहाँ से शहर के बाहर शिफ्ट करने का लिए जो आदेश प्रसारित किए गए थे श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा, उसमें पुलिस द्वारा सतत गश्त और निगरानी की जा रही है। अभी इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा भी एक आदेश निकाला गया था, उनकी भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वो आदेश 3/9 तक ही था। उसके बाद परिवहन वाले अधिकारी व कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। इस संबंध में पुनः निवेदन किया जाएगा। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश की पालना में ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ गाड़ियों और कुछ ट्रांसपोर्टर्स द्वारा माल को चढ़ाने का और उतारने का कार्य किया जा रहा था, जिस पर वहाँ मौके पर जाकर लोडिंग वाहनों को जब्त कर थाने लाके खड़ा किया गया है। इसमें कुल 5 लोडिंग वाहन हमने जब्त किए गए हैं। वह इस हेतु रात्रि के समय फिक्स पिकेट और अधिक जाता भी लगाया जाता है। आइंदा अगर इस प्रकार के और वाहन चलाए गए तो उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी।